हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन। कैसे आप सब? मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करें। वैसे फेशियल हेयर को रिमूव करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे लेजर ट्रीटमेंट हो गया। लेजर ट्रीटमेंट करवाने से 2 से 3 साल तक बाल तो नहीं आते, बट 2 से 3 साल बाद बाल वापस आने लग जाते हैं। दूसरा तरीका हो गया थ्रेडिंग। पहले मैं थ्रेडिंग ही करवाती थी, बट जब भी मैं थ्रेडिंग करवाती थी मेरे यहाँ पे लाल लाल निशान हो जाते थे एंड कट भी बहुत लग जाते थे, और वो कट के निशान जाने में बहुत टाइम लगता था। तीसरा हो गया वैक्सिंग। वैक्सिंग ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए फेस पर, क्योंकि वैक्सिंग करवाने से स्किन लटक जाती है। तो कुछ घरेलू तरीकों से भी फेशियल हेयर को रिमूव किया जा सकता है, तो मैं आज एक घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली जिससे आपके फेशियल हेयर रिमूव हो सकते हैं। एंड हाँ, इस वाले मेकअप लुक को अभी तक आपने नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए खाली बाउल, फिर 1 चम्मच गेहूं का आटा जो खाने में यूज होता है वही। मैं सिर्फ अपर लिप्स पर लगाऊंगी इसीलिए मैंने 1 चम्मच लिया है, अगर आप पूरे फेस पर लगाओगे आप 2 चम्मच डाल सकते हो। थोड़ा सा बेसन, एंड 2-3 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के। इनको मिक्स करने के लिए आप रो मिल्क डाल सकते हो, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हो। मैं यहाँ गुलाब जल डालती हूँ। ये पेस्ट मेरा बन गया है, ना तो ज्यादा पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है, ऐसा ही पेस्ट बना है। तो पेस्ट तो बन चुका है, हेयर पर मत जाना, मैंने हेयर ऑयलिंग कर रखी है क्योंकि मेरे हेयर को मुझे वॉश करना था इसीलिए। अब मैं इस पेस्ट को सिर्फ अपर लिप्स पर अप्लाई करूंगी। अगर आपके फेस पर कहीं पर भी बाल हो इसको अप्लाई कर सकते हो, अगर आप पूरे फेस पर लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं ओनली अपर लिप्स पर अप्लाई करूंगी। थोड़ी सी थिक अप्लाई करें। मिनट तक लगा रहने दे, जब ये ड्राई हो जाए तो इसको अपर डायरेक्शन में हटाना है। कैसे हटाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पेस्ट मेरा ड्राई हो चुका है, अब इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने का भी एक तरीका है, आपको ना अपर डायरेक्शन में रिमूव करना है जैसे ऊपर की साइड, कैसे करते हैं देख लीजिएगा आप। रिमूव कर लिया है मैंने। जब भी आप रिमूव करें इसी तरह से रिमूव करें, तभी जाके आसानी से हेयर रिमूव हो जाएंगे। जब हेयर रिमूव हो जाए, जब आप इसको पेस्ट को हटा लें, आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम हो उसको अपर लिप्स पर अप्लाई करें। हफ्ते में 2 से 3 बार इस DIY को जरूर ट्राई करें, पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।